आय सेक्शन का क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। तो हम एक आपको सबसे अच्छा तरीका कि आय सेक्शन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है आपके सामने ही मेरी फर्स्ट वीडियो दे गया हूं, दिव्य द्वार टेक्निक क्लासेस से बाय सेल्फ दीपक कुमार, जो कि मैं आपके पॉलिटेक्निक में ये सबसे मोस्ट टॉपिक है, इसी के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोमेंट जो भी निकलेगा, क्योंकि बच्चे देखते हैं आई सेक्शन, जेड सेक्शन, टी सेक्शन, एल सेक्शन देखते ही घबरा जाते हैं, पर ये नहीं सोचते कि उसको निकालना कितना आसान है। तो मैं आपको आई सेक्शन का केंद्र ज्ञात करना इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप खुद देखना, है ना। सबसे पहले हम आई सेक्शन के तीन चित्र कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। कोई भी सेक्शन है उसको डब्बों में बांट लेंगे। फर्स्ट सेक्शन, क्योंकि केंद्र ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, y बार बराबर a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। a का मतलब क्या है, a बराबर एरिया बराबर क्षेत्रफल। तो a1 बराबर फर्स्ट डब्बे का क्षेत्रफल, तो a1 फर्स्ट डब्बे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है डब्बे के लिए, लंबाई गुना चौड़ाई। तो फेरे डब्बे की लंबाई कितनी है 200 mm, चौड़ाई कितनी है 20 mm, तो 4000 mm स्क्वायर। ये फर्स्ट डब्बे के लिए क्षेत्रफल हो गया। फिर a2 बराबर दूसरे डब्बे के लिए क्षेत्रफल, लंबाई गुना वही सूत्र चौड़ाई, लंबाई कितनी है 20 इंटू चौड़ाई 100, तो बराबर 2000 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर इसका मात्रक है, याद रखना मात्रक लगाना बहुत जरूरी है, लंबाई का मात्रक mm एक मीटर होता है, यहाँ पे हम mm हमारा दे रखा है इसलिए mm स्क्वायर ले रहे हैं, mm इंटू mm बराबर mm स्क्वायर। फिर वही a3 बराबर तीसरे डब्बे का क्षेत्रफल, तीसरे डब्बे की लंबाई कितनी है 150 इंटू चौड़ाई कितनी है 20 3000 mm स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया तीनों डब्बों का क्षेत्र, सिंपल क्षेत्रफल निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हमको क्या निकालना है, केंद्र के लिए y1 y2 एंड y3, बाकी सब a1 a2 a3 पर ही डिपेंड है। आप देखो y1 बराबर कुछ नहीं करना, केंद्र की बात चल रही है तो केंद्र किसी भी संरचना में केंद्र उसके सेंटर में होता है, तो पहले डब्बे के लिए केंद्र ज्ञात करना होगा y1 बराबर पहले डब्बे के लिए केंद्र। तो देखो केंद्र निकालने क्या करना, सबसे सिंपल तरीका है जिसकी संरचना की पूरी लंबाई उसके दो भागों में बांट दो वो से केंद्र पे ही पहुंचेगा। ये हमारी संरचना है इसको दो भागों में बांट दो, ये जितनी आधी दूरी होगी वही उसी के केंद्र पर होगी, चाहे सेंटर से ले लो, दैट्स आर हमारा y1। y1 के लिए 20 बटा 2 बराबर 10 mm। y2 अब हमको दूसरे डब्बे के केंद्र तक पहुंचना है, यानी कि इसको आधे भाग में बांट दो और जो रास्ते बाकी है उस लंबाई को पूरा ले लो। रास्ते में ये आ रही है, इसको हम लेके चलेंगे और इसके केंद्र के लिए पहुंचने के लिए 100 को तो आधे भाग में बांट दो और 20 को हम लेके चलेंगे, तब जाके इसके केंद्र तक पहुंच जाएंगे। तो हमारी ये लंबाई हो जाएगी, अब देखो ये लंबाई दैट्स आर y2, यानी 20 पूरा, ये लंबाई पूरी हो गई है आधी, 20 प्लस 100 बटा 2, 20 प्लस 50 बराबर 70 mm, ये हमारा हो गया y2। अब निकालेंगे y3 बराबर मैंने क्या बोला, जिस डब्बे के केंद्र तक पहुंच रहा है उसके दो टुकड़े कर दो, ये इसके दो टुकड़े कर दिए, हम इसका केंद्र काट दिया, आपको पता ही है हमारे, ये पूरी की पूरी लंबाई ले दो, ये हमारी लंबाई क्या हो गई y3। अब देखो जो रास्ते मारिए पहले डिब्बे रास्ता मारिए इसको ले लो 20 प्लस पूरा दूसरे डब्बे रास्ते मारा 100 और प्लस उसका आधा कर दिया हमने 20 बटा 2, तो ये हमारा क्या हो गया 20 प्लस 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 130 mm। जो रास्ते मारा उसको हम देते हुए चलेंगे और जिसका हमको केंद्र निकालना है उसको हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे। तीसरे डब्बे को हम दो हिस्से में तोड़ दिया, 20 रास्ते मारा था 100 रास्ते मारा था, इन दोनों को रास्ते में दे दिया और इसका हमने आधा कर दिया, इसी तरह से हमारा 130 mm y3 हो गया। अब देखो सिंपल सा इस फॉर्मूले में बैठा तो y1 बराबर a1 कितना है हमारा 4000 इनटू y1 कितना है 10 प्लस a2 कितना है 2000
प्लस y2 कितना है 70 प्लस a3 2000 प्लस y3 130 बटे a1 प्लस a2 प्लस a3 2000। देखो हमने कुछ नहीं किया, a1 a2 a3 लिया है यहां से, इनके तीनों टर्म का क्षेत्रफल y1 y2 y3 निकालना समझा दिया है। इसका आधा कर दो y1, इस पूरे का आधा कर दो, इस रास्ते में पूरे ले लो, है ना। 100 का आधा क्या 50, और ये रास्ते में आया इसको पूरा ले लिया, इसे कहते हैं पहुंचने के लिए 20 प्लस 50 70। तीसरे का निकाला, इन दोनों को पूरा ले लो, इसका आधा कर दो 20, 100 120 और इसका आधा 10 130 है ना। ये बेटा ले आपने, ये कितना हो गया 40 गुना 10 की पावर 3, 40 से गुणा किया 1 से 40 3 0, चाहे तो 1 गुणा कर दो 4 से 40 10 की पावर 3, ऐसे सोचो 7 दूनी 14, 140 इनटू 10 की पावर 3, 14 क्या 4 0 हो गया, हमने 1 0 इसको दे दी, बाकी 10 की पावर 3, इसे ऐसे लिख कर दे रहे हो 26 15 दूनी 30, ये 3000 है, 3000 भी कर देता 15 दूनी 3 कितना अपना 3000, तो 13 दूनी 26 दे दिया 39, 39 चार जीरो हो रही है, 390 इंटू 10 की पावर 3, इन तीनों को जोड़ा कितना हो रहा है 4 तो 6 और 3, ये 3000 है, 4 तो 6 3 9 सिंपल सा, इनको जोड़ दिया पीछे 10 की पावर 3 है, सम में इसको 10 की पावर 3 कर दिया, इस 10 की पावर 3 से ये सारे 10 की पावर 3 कट जाएंगे। अब देखो अपना जोड़ कर लो कितना हो गया 40 140 280 और 90 260 270 और 300 570 570 बटे 9 9 7 9 2 10 17 10 54 9 6 54 3 30 9 2 18 27 63 33 mm, ये हमारा आ गया y बार, y बार बराबर 63.33 ये mm एंड, ये हमारा केंद्र होगा आई सेक्शन के लिए, केंद्र क्या होगा हमारा 63.33। सबसे सिंपल तरीका है गलत और सही करने का कि कोई भी जो लंबाई है उसको नाप लो 20 100 120 और 20 140, इसका आधा कितना होता है 70, तो 70 के आसपास कितना रहा हमारा 63.33, जो केंद्र होगा वो उसकी आधी दूरी, जो पूरी संरचना होती है उसकी आधी दूरी के लमसम यानी कि आसपास ही होगा, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 10 के अंतर में हमारा केंद्र उसी के आसपास होगा। पूरी लंबाई चेक कर लो, कितनी लंबाई है 20 प्लस 120 प्लस 20 140 का आधा 70, हमारा केंद्र कितने पर है 63.33, यानी कि हमारा 10 10 के आसपास ही है अंतर में, तो हमारा वहां केंद्र सही है। ये नहीं कि आपका केंद्र आधी ज्यादा दूरी से ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि उसके आसपास नहीं हो, तो हमारा केंद्र गलत है, ये चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये आपको केंद्र निकालना आ गया होगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सबके पास जितने कॉन्टेंट स्टूडेंट है उनके पास शेयर करें, जिनको आसानी हो केंद्र निकालने के लिए और इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं केंद्र कैलकुलेट करने का, खोल के करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम आपको जेड सेक्शन टी सेक्शन एल सेक्शन इसका भी केंद्र निकालना समझाएंगे, इसलिए हमारे बेल की घंटी को बजाएं चैनल पर और हमारे सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, जिससे मैं अगली वीडियो सेंड करूं तो आपके पास पहुंच जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब।